आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, आप मुझसे नाराज हैं? आप बस मुझे बता नहीं रही हैं। अगर मैं तुमसे नाराज भी हूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब मैं तुमसे कहती हूं कि तुम मिनाल और उसके घर वालों से फासले पर रहो तो तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? अम्मी, मैंने आपको समझाया तो है कितनी दफा, वो लोग अच्छे लोग हैं। अभी तुम इतनी समझदार नहीं हुई कि तुम्हें अच्छे बुरों की परख हो सके। पता नहीं अम्मी, आपने मिनाल से कौन सा बैर बांध दिया है, आप उसके पीछे ही पड़ी रहती हैं। मैं काम करती हूँ, मैं ये दोस्ती खत्म कर देती हूँ। हाँ, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। कर दो खत्म, कम से कम मुझे तुम्हारे नुकसान की फिक्र से तो आजादी नसीब होगी ना। मुझे भला क्या नुकसान इस दोस्ती से, वो कौन सा मेरे पीछे गन लेके पड़ी हुई है। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे पास सिवाय इज्जत के लुटाने के लिए कुछ नहीं है। इन अमीर लोगों की ना दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी। अच्छा ना अम्मी, पर मैं आपको कैसे समझाऊं, मिनाल ऐसी नहीं है और मेरी एक ही तो दोस्त है। देखो बेटा, हर चीज हद में अच्छी लगती है। तुम्हारा रोज रोज मिनाल के घर जाना ठीक नहीं है। अपनी दोस्ती को ना यूनिवर्सिटी की हद तक रखो। अच्छा ना, बस करें, और कितनी बातें सुनाएंगी। अच्छा ठीक है, जाओ चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने तो खाना, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं ये सोच रही थी कि तुम आओगी तो साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी माँ चाहे भूखी बैठी रहे। नहीं, अच्छा सॉरी ना अम्मी, अब आईना नहीं होगा। जाओ। अच्छा ना अम्मी, सॉरी नहीं अच्छा होगा, चलो जाओ, जाओ चेंज करो, जाकर आईंदा नहीं होगा। जाओ ना, मैं कह रही हूं। जा रही हूँ यार, जा रही हूँ।